1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने गीजा के ग्रेट पिरामिड के रहस्यों को जानने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि पिरामिड के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर है। हैरानी की बात ये थी कि उस सीक्रेट चैम्बर में जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो चैम्बर चारों ओर से सील बंद था। वैज्ञानिकों ने इस चैम्बर के रहस्य को दुनिया के सामने लाने के लिए एक ऐसा रोबोटिक कैमरा बनाया जो इस छोटे से टनल में जा सके और उस सीक्रेट चैम्बर के रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर कर सके। साल 1993 में इस रोबोटिक कैमरा को इस सुरंग में भेजा गया। ये रोबोटिक कैमरा करीब 200 फीट तक ही चला होगा कि इसे रोकना पड़ा क्योंकि आगे रास्ता बंद था। रोबोटिक कैमरा के द्वारा वैज्ञानिक देख पा रहे थे कि सामने पत्थर की एक स्लैब है जिस पर कॉपर के दो हैंडल जैसे कुछ लगे हुए हैं। अब वैज्ञानिकों के पास स्लैब के पीछे झांकने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक और ऐसे रोबोट को बनाया जो इस पत्थर में ड्रिल कर सके। वो रोबोट इस छोटी सी सुरंग के अंदर घुसा और उसने इस पत्थर की स्लैब में ड्रिल करके एक छोटा सा छेद किया और उसके बाद उस छेद में से एक कैमरे को अंदर डाला गया। जैसे ही कैमरा ने पिछले 4,500 सालों से बंद पड़ी उस रहस्यमय दुनिया को देखा तो वैज्ञानिकों के सामने एक और नया रहस्य आकर खड़ा हो गया जिसकी वैज्ञानिकों ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इजिप्ट के पिरामिड्स आज वैज्ञानिकों के लिए ऐसी अबूझ पहेली बने हुए हैं कि जितना वो पिरामिड्स के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं वो उसमें उतना ही उलझ जाते हैं। जैसे जैसे पिरामिड्स पर शोध की जा रही है वैसे वैसे इजिप्ट के पिरामिड्स और ज्यादा रहस्यमयी बनते जा रहे हैं। वैसे तो इजिप्ट में करीब 138 पिरामिड्स हैं, लेकिन गीजा का महान पिरामिड वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान करता है। इसे खुफू का पिरामिड भी बोला जाता है। वास्तव में इस ग्रेट पिरामिड को बनाने में जिस बेमिसाल इंजीनियरिंग का प्रदर्शन किया गया है वो आज के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड को बनाने में करीब 20 सालों का समय लगा था और पिरामिड में लगने वाले पत्थरों को करीब 800 किलोमीटर दूर से लाकर इसमें लगाया गया था। मान्यताओं की माने तो इजिप्ट के पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं की कब्र हैं, लेकिन जब पिरामिड पर वैज्ञानिक शोध की गई तो पता चला कि ये मकबरा जैसा तो बिल्कुल है ही नहीं। आज के समय में ग्रेट पिरामिड देखने में भले ही पत्थरों का एक पहाड़ लगता हो, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि जब प्राचीन समय में ये पिरामिड बनकर तैयार हुआ था तब इसकी चारों दीवारें पॉलिश्ड व्हाइट लाइमस्टोन से कवर थीं, जिससे जब इस पर सूर्य की रोशनी गिरती तो पूरा पिरामिड चमकने लगता। इससे पिरामिड की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती। और पिरामिड का जो टॉप है जो आज खाली पड़ा है वो कभी सोने के कैपस्टोन से कवर था। वो भी सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता जिससे दूर से ही पिरामिड की चमक को देखा जा सकता था। लेकिन समय के साथ इसकी दीवारों की पॉलिश खत्म होती गई और इसके टॉप पर रखा सोने का कैपस्टोन चोरी हो गया। आज के समय में पिरामिड की हाइट इतनी नहीं रही जितनी की आज से 4,500 साल पहले थी। समय के साथ ग्रेट पिरामिड जमीन के अंदर धंस चुका है जिससे आज के समय में इसकी हाइट पहले के मुकाबले कम हो गई है। अगर इस पिरामिड की बनावट की एक्यूरेसी की बात करें तो वो इतनी सटीक है कि आप इस चीज का अंदाजा इससे लगाइए कि उनको पृथ्वी के एक्यूरेट साइज और सोलर इक्विनॉक्स का पता था। दरअसल सोलर इक्विनॉक्स वो घटना होती है जब सूर्य बिल्कुल पृथ्वी के इक्वेटर की सीध में होता है। जिस दिन सोलर इक्विनॉक्स की घटना घटती है उस दिन पृथ्वी पर दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं और ये घटना साल में 2 बार घटती है। अब फैक्ट ये है कि 12 घंटों को सेकंड्स में बदला जाए तो वो 43,200 सेकंड्स होंगी और अगर इसमें ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट 6,333 किलोमीटर होगा। अब शॉकिंग बात ये है कि पृथ्वी की पोलर रेडियस की लंबाई भी इतनी ही है और जब पिरामिड के बेस के पेरीमीटर को 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो उतना ही होगा जितना पृथ्वी का सरकमफेरेंस यानी परिधि है, मतलब जितना पृथ्वी का साइज है। और फैक्ट ये है कि पिरामिड की 4 नहीं बल्कि 8 साइड हैं और ये 8 साइड सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही दिखाई देती हैं। अब चाहे आप इसे एक इत्तेफाक कहो या मिस्रवासियों की एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन ऐसा लगता है कि प्राचीन मिस्रवासियों को हमारी पृथ्वी के एक्यूरेट साइज के बारे में पता था। अब इसमें हैरान करने वाली बात ये है कि पृथ्वी का साइज पहली बार एरेटोस्थनीज ने मेजर किया था। एरेटोस्थनीज प्राचीन ग्रीक के एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। जब एरेटोस्थनीज ने पृथ्वी का साइज मापा तो वो भी एक्यूरेट नहीं था, उसमें भी कुछ खामियां थीं।
पृथ्वी के एक्यूरेट साइज के बारे में तो हमें आज के मॉडर्न युग में पता चला है, जब हमने अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट्स भेजी हैं, जिन्होंने पृथ्वी की मैपिंग करके उसके एक्यूरेट साइज के बारे में बताया। लेकिन सवाल ये है कि प्राचीन मिस्रवासियों को पृथ्वी की एक्यूरेट साइज के बारे में कैसे पता था, जबकि ग्रेट पिरामिड को आज से करीब 4,500 साल पहले बनाया गया था। ग्रेट पिरामिड की पृथ्वी पर पोजीशन और पिरामिड की ज्योमेट्री वास्तव में हैरान कर देती है। दरअसल ये पिरामिड करीब 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक से बना हुआ है और एक एक ब्लॉक का वजन 2 से 3 टन है और कुछ का वजन 80 टन से भी ज्यादा है। अगर इसके बेस की बात करें तो वो 13 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी हाइट 481 फीट है। आईफल टावर के बनने से पहले ग्रेट पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इस ग्रेट पिरामिड के पास में 2 और पिरामिड्स हैं जो इससे छोटे हैं। इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स सीधी नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके पास कोई कंपास नहीं था जिससे वो नॉर्थ पोल का एक्यूरेट तरीके से पता लगा सकें। लेकिन फिर भी पिरामिड की एक्यूरेसी ये साबित करती है कि उनको पृथ्वी के नॉर्थ पोल की सटीक जानकारी थी। इस पिरामिड की ज्योमेट्री जितनी रहस्यमयी है, उससे ज्यादा रहस्य तो इस पिरामिड के अंदर छुपा है। इस पिरामिड के अंदर अभी तक 2 हिडन चैम्बर्स को खोजा जा चुका है, जिनमें एक है किंग्स चैम्बर और दूसरा है क्वींस चैम्बर। जब खोजकर्ता पहली बार किंग्स चैम्बर में घुसे तो उन्हें वहाँ ग्रेनाइट से बना हुआ एक ताबूत मिला। खोजकर्ता इस चैम्बर में ताबूत को देखकर बड़े हैरान हुए, क्योंकि इस चैम्बर में घुसने का ये एक छोटा सा रास्ता है, लेकिन इस ताबूत का साइज इतना बड़ा है कि उसे इस छोटे से दरवाजे से अंदर लाया ही नहीं जा सकता। तो भला ये ताबूत इसके अंदर कैसे आया? काफी खोजबीन के बाद पता चला कि जब किंग्स चैम्बर को बनाया गया होगा, उससे पहले ही इसमें इस ग्रेनाइट के वन पीस ताबूत को रख दिया गया होगा। उसके बाद इस चैम्बर को सील कर दिया गया होगा। लेकिन क्या वास्तव में ये एक ताबूत है या कुछ और? क्योंकि मरने से पहले कोई व्यक्ति भला ताबूत क्यों बनवाएगा? और सबसे विचित्र बात तो ये है कि इस पिरामिड में कई सारे छोटे छोटे टनल्स बने हुए हैं जो इस पिरामिड के नीचे तक गहराई में जाते हैं। अब अगर ये पिरामिड एक मकबरा है तो इसमें इतने छोटे छोटे टनल्स क्यों? अब सवाल ये आता है कि क्या वास्तव में पिरामिड एक मकबरा ही है या इसे बनाने का मकसद कुछ और ही था? वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी ग्रेट पिरामिड को पॉलिश्ड व्हाइट लाइमस्टोन से कवर किया गया था, तो उसका मकसद पिरामिड को सुंदर दिखाना नहीं बल्कि पिरामिड के ऊपर गिरने वाली सनलाइट को एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करना था, जिससे पिरामिड के अंदर सूर्य की रोशनी प्रवेश ना कर सके। दरअसल पिरामिड को अंदर से डोलोमाइट और ग्रेनाइट से बनाया गया है, जो कि काफी अजीब बात है। अब ये अजीब बात इसलिए है क्योंकि ग्रेनाइट पृथ्वी के सबसे कठोर पत्थरों की श्रेणी में आता है और ग्रेनाइट की प्रोसेसिंग में लाइमस्टोन की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा समय लगता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस ग्रेनाइट को पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइट से करीब 800 किलोमीटर दूर से लाया गया था। अब सोचने वाली बात ये है कि एक मकबरा बनाने के लिए ऐसे मटेरियल की क्या जरूरत जिसको प्रोसेस करने और लाने में ही इतना समय लग जाए। अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह के जटिल मटेरियल में क्वार्ट्ज और मेटल क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेनाइट पीजो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। दरअसल जब किसी खास तरह के मटेरियल पर दबाव डाला जाए तो उस मटेरियल पर इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाता है, इसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। और पिरामिड के अंदर उपयोग होने वाला दूसरा मटेरियल डोलोमाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है और पिरामिड के टॉप पर लगा गोल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऊपर भेजने का एक जरिया है। वैज्ञानिकों की माने तो पिरामिड कोई मकबरा नहीं जहां प्राचीन मिस्र के राजाओं की बॉडी को दफनाया जाता था, बल्कि पिरामिड तो प्राचीन पावर प्लांट थे। और खोजकर्ताओं का ये भी मानना है कि पिरामिड के अंदर मौजूद ताबूत कोई ताबूत नहीं बल्कि एक बड़ी बैटरी हो सकता है। पिरामिड के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी कैप्चर किया गया है, जो कि आसमान में कड़कड़ाती बिजली के समान है। ऐसा माना जाता है कि इससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स पिरामिड के अंदर ही कहीं किसी हिडन चैम्बर में छुपा है। दरअसल पिरामिड के पावर प्लांट वाली थ्योरी सबसे पहली बार एक ब्रिटिश ऑथर क्रिस्टोफर डन ने साल 1998 में दी थी। क्रिस्टोफर डन ने एक किताब पब्लिश की द गीजा पावर प्लांट, जिसमें उन्होंने बताया कि दरअसल ग्रेट पिरामिड एक मशीन है जो हाइड्रोजन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। लेकिन क्या वास्तव में पिरामिड के पावर प्लांट वाली थ्योरी में कोई सच्चाई है भी या नहीं? मिस्र का एक पुरातत्वविद, जो कि प्राचीन मिस्र की धरोहरों और पुरावशेषों का राज्य मंत्री रह चुका था, जाही हवास, उस पर साल 2014 में मिस्र के प्राचीन अवशेषों को चुराने का आरोप लगाया गया था। और जाही हवास ने जिन प्राचीन चीजों को चुराया उनमें प्राचीन कॉपर वायर भी शामिल थे जो ग्रेट पिरामिड से निकाले गए थे।
ये भी एक विचित्र बात है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार आज के मॉडर्न युग में हुआ है तो प्राचीन समय में कॉपर वायर्स की क्या जरूरत थी। और एक और विचित्र बात ये है कि जाही हवास ने उन चीजों को आखिर क्यों चुराया। क्या जाही हवास को मिस्र के पिरामिड के बारे में कोई ऐसा राज पता था जिसे वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था, या बात कुछ और थी। मिस्र के पिरामिड्स के बारे में हम जितना सोचते हैं वो उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। अगर ये सच है कि ग्रेट पिरामिड के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जाता होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला पिरामिड के राज को बहुत पहले ही समझ चुके थे। निकोला टेस्ला का मानना था कि पृथ्वी के दोनों पोल्स का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर अनलिमिटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। साल 1905 में निकोला टेस्ला के इस बयान ने पूरी वैज्ञानिक कम्युनिटी को हैरान कर दिया। निकोला टेस्ला ने यह भी कहा कि पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है आयनोस्फीयर, उसका इस्तेमाल करके भी पृथ्वी पर अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जा सकता है। और इसके लिए टेस्ला ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टावर पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था वार्डन क्लिफ टावर। पिरामिड की ज्योमेट्री और पृथ्वी पर इसकी पोजीशन के हिसाब से ग्रेट पिरामिड 8.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करता है, और टेस्ला का मानना था कि हमारी पृथ्वी की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी इतनी ही है। अपनी कई सारी कैलकुलेशंस करने के बाद टेस्ला ने अपने वार्डन क्लिफ टावर को बनाने के लिए पृथ्वी पर एक ऐसी जगह को चुना जो ग्रेट पिरामिड के नियमों को फॉलो करे। पिरामिड की ही तरह टेस्ला ने अपने इलेक्ट्रिकल स्टेशन में कॉपर वायर्स का इस्तेमाल किया और टावर के टॉप पर मेटल कॉइल का इस्तेमाल किया, जिससे शॉर्ट रेंज मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जा सके। टेस्ला के वार्डन क्लिफ टावर से इलेक्ट्रिसिटी किसी तार के द्वारा नहीं बल्कि वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट की जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम मॉडर्न वाईफाई को इस्तेमाल करते हैं। दरअसल निकोला टेस्ला एक ट्रांसफॉर्मर की तरह कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो कि आयनोस्फीयर का उपयोग करके वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सके। अब अगर वायरलेस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाएगा तो इसे कहीं न कहीं पर किसी डिवाइस के द्वारा रिसीव भी किया जाएगा। खोजकर्ताओं को इजिप्ट में बड़े बड़े ओबेलिस्क मिले हैं। ओबेलिस्क चार साइडों वाले ऊंचे ऊंचे मॉन्यूमेंट हैं जो कि ग्रेनाइट से बने हैं और उनके टॉप पर क्वार्ट्ज स्टोन्स लगे हुए हैं। क्रिस्टोफर डन का मानना था कि इन्हीं ओबेलिस्क के जरिए वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव किया जाता होगा। प्राचीन मिस्रवासियों ने कुल 28 ओबेलिस्क बनाए थे, लेकिन इसी तरह के मॉन्यूमेंट इस्तांबुल, रोम, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में मिले हैं। हालांकि निकोला टेस्ला का ये वार्डन क्लिफ टावर का प्रोजेक्ट फेल हो गया, क्योंकि टेस्ला के अनुसार वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए पिरामिड जैसा ही स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से टेस्ला के पास ना तो 20,000 वर्कर्स थे जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना सकें, और ना ही इतना बजट था कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएं। हालांकि पिरामिड की इस पावर प्लांट वाली थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वैज्ञानिकों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। पुरातत्वविदों को मिस्र में अभी तक ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं मिली है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, लेकिन उन्हें इजिप्ट के डेंडोरा शहर में हाथोर टेम्पल में एक नक्काशी मिली है जिसमें ये ड्राइंग आज के मॉडर्न बल्ब की तरह लगती है, जिसे डेंडोरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जब प्राचीन मिस्र में इतना भारी भरकम पावर प्लांट बनाया जा सकता है तो उसके बनने के सबूत भी तो मिलने चाहिए कि उसको कैसे बनाया गया था, किन मशीनों का इस्तेमाल किया गया था उस पावर प्लांट को बनाने में। वेल, ये सवाल पिरामिड के एक और नए रहस्य को उजागर करता है, और वास्तव में पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि इन्हें बनाया कैसे गया था। आप इस बात को जरा गौर से सुनना। जिस दौर में ग्रेट पिरामिड को बनाया गया था उस समय ना तो कोई ऐसी क्रेन थी जो बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर ले जा सकती, ना उनके पास पत्थरों को काटने की कोई मशीन थी जिससे वो पत्थरों को इतनी बारीक तरह से कटिंग दे पाते। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि पिरामिड में इन पत्थरों को इतनी सटीक तरह से लगाया गया है कि दो पत्थरों के बीच में एक क्रेडिट कार्ड को भी नहीं घुसाया जा सकता। यहाँ तक कि इन लोगों के पास पहिए भी नहीं थे जिसकी मदद से इन भारी भारी पत्थरों को 800 किलोमीटर दूर से लाकर पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँचाया जा सके। बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के आखिर उन्होंने इतनी बड़ी इमारत को कैसे बनाया जो पिछले 4,500 सालों से तेज धूप, गर्मी, बारिश और भूकंप इत्यादि को सहते हुए जैसी की तैसी खड़ी है। आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कितनी भी अच्छी इमारत बना लें, लेकिन वो 15 से 20 साल में बिना मेंटेनेंस के जर्जर हो ही जाती है। इस पूरे पिरामिड का वजन 60 लाख टन के करीब है। अगर इसकी तुलना आज की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से करें तो उसका वजन महज 5 लाख टन है। इतिहासकारों की माने तो ग्रेट पिरामिड को प्राचीन मिस्र के फैरो यानी राजा खुफू ने बनवाया था।
जहाँ पर ये ग्रेट पिरामिड बना है वहाँ पर इससे एक और छोटा पिरामिड है जिसको खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। इस वजह से इसे खाफरे का पिरामिड भी बोला जाता है। और इससे भी जो छोटा पिरामिड है उसे खाफरे के बेटे मैनकोर ने बनवाया था। इस वजह से इसे मैनकोर का पिरामिड बोला जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन मिस्रवासी ऐसा मानते थे कि मरने के बाद जीवन खत्म नहीं होता, मरने के बाद भी जीवन यात्रा चलती रहती है। इस वजह से प्राचीन मिस्र के राजा अपने मरने से पहले ही मरने के बाद चलने वाले जीवन की व्यवस्था कर लेते थे। इस वजह से वो अपने जीवित रहते हुए ही अपनी कब्र यानी मकबरों को बनवाते। शायद इसीलिए ग्रेट पिरामिड के किंग्स चैम्बर में मिला वन पीस ग्रेनाइट का ताबूत उसमें पहले से ही रखा गया था और बाद में उसमें सिर्फ एक छोटा सा रास्ता छोड़ा गया जिसमें से सिर्फ एक इंसान ही आ जा सके। जब ये राजा मर जाते तो उनकी बॉडी को सड़ने गलने से बचाने और लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए बॉडी पर एक खास तरह का लेप लगाया जाता और बॉडी को ममीफाई किया जाता और उस ममी को पिरामिड के अंदर मौजूद ताबूत में दफना दिया जाता। इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों की धारणा ये थी कि मरने के बाद जीवन खत्म नहीं होता। इस वजह से मरने के बाद के जीवन में उनके राजा को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से राजा की मम्मी के साथ खाने पीने की चीजें, पहनने के लिए कपड़े, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर और सेवक सेविकाओं को भी जिंदा ही पिरामिड के अंदर दफनाया जाता था। अब हालांकि ग्रेट पिरामिड के अंदर पुरातत्वविदों को कोई भी ममी नहीं मिली है और ना ही इसमें कोई गहने और आभूषण मिले हैं, तो इसके जवाब में इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है कि 4,500 सालों के इतने लंबे समय में वो सारी चीजें पिरामिड के अंदर से किसी ने चुरा ली हों। चलो यहाँ तक तो ठीक है, अन्य पिरामिड्स में ऐसा होता होगा, लेकिन ग्रेट पिरामिड अपने आप में इतना रहस्यमय है कि इसके रहस्यों को सुलझाते सुलझाते वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेट पिरामिड को बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के 20 सालों में बनाया गया था। कहने के लिए तो 20 सालों का वक्त एक पिरामिड को बनाने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो 20 सालों में ऐसा कारनामा करना असंभव लगता है, क्योंकि इस पिरामिड में लगभग 23 लाख भारी भरकम पत्थर हैं। अगर सिंपल कैलकुलेशन करें तो हर 4 मिनट के अंदर एक पत्थर लगाया जाए और ऐसा लगातार रात और दिन बिना रुके बिना सोए 24 घंटे चलता रहे, तब जाकर 20 सालों में 23 लाख पत्थरों को लगाना संभव होगा। यहाँ पर ध्यान दें कि हर 4 मिनट का मतलब है कि आपको रात में भी काम करना है और 20 सालों में आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। अब आप खुद ही सोचकर देखिए कि हर 4 मिनट में लगातार 20 सालों तक एक एक भीमकाय पत्थर लगाना क्या ऐसा संभव है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ 4 मिनट के अंदर आपको 800 किलोमीटर दूर जाकर पत्थर काटना है, उसकी फिनिशिंग करनी है, उसे उतनी दूर से कंस्ट्रक्शन साइट पर लाना है और इतना ही नहीं उस भारी भरकम पत्थर को पिरामिड के ऊपर भी पहुंचाना है और सटीक तरह से उसे लगाना भी है। क्या इतना सारा काम सिर्फ 4 मिनट के अंदर कर पाना संभव है? और किसी किसी पत्थर का वजन तो 80 टन से भी ज्यादा है। ये सच में एक मिस्ट्री है कि उन्होंने सिर्फ 20 सालों में इतना भारी भरकम पत्थरों का पहाड़ बनाकर तैयार कर दिया। जब पिरामिड के बनने की ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती तो यहाँ पर एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जन्म लेती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गीजा के महान पिरामिड को एलियंस ने बनाया था। वो लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि एलियंस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी जिसकी मदद से उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। हालांकि एलियंस वाली थ्योरी बेतुकी लगती है। पिरामिड को बनाया तो इंसानों ने ही था, लेकिन उसको बनाने में बहुत ज्यादा वर्कर्स ने काम किया होगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा मैन पावर हो तो आप भी बड़े से बड़े पहाड़ को खड़ा कर सकते हो। ऐसा माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड को बनाने में करीब 20,000 से 30,000 वर्कर्स ने काम किया था। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स पिरामिड्स के बनने की एक थ्योरी देते हैं कि पिरामिड्स को बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया होगा। वास्तव में पिरामिड के बनने की ये थ्योरी सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ग्रेट पिरामिड इतना बड़ा और भारी है कि इसकी नींव को मजबूत बनाना बहुत जरूरी था। जितनी ज्यादा गहरी नींव होगी उस पर उतनी ही बड़ी इमारत को खड़ा किया जा सकता है। और जिस गीजा प्लेटू पर ये पिरामिड बना है उसकी जमीन बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, तो सबसे पहले तो जमीन को समतल करना बहुत जरूरी था। और ऐसा करने के लिए वो इस सिंपल से टूल का इस्तेमाल करते थे। इस टूल में बीच में एक पॉइंटर होता है जो फ्रीली लेफ्ट या राइट मूव कर सकता है। जब इस टूल को जमीन पर सीधा रखा जाता है तो इसमें यहाँ पर ये एक मिड पॉइंट है। जमीन पर रखने के बाद ये पॉइंटर इस मिड पॉइंट पर रहता है तो इसका मतलब जमीन समतल है। और अगर ये पॉइंटर इस मिड पॉइंट से इधर उधर होता है तो इसका मतलब है कि जमीन अभी उबड़ खाबड़ है। और इसी छोटे से औजार से प्राचीन इजिप्शियंस ने पिरामिड को बनाने के लिए जमीन को समतल किया। लेकिन इसके बाद उनके सामने एक और कठिनाई थी, पिरामिड का अलाइनमेंट।
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि पिरामिड पृथ्वी की चारों दिशाओं को एक्यूरेट तरीके से अलाइन करता है। अब आज के समय में तो हम एक कंपास की मदद से अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन आज से 4,500 साल पहले उन्होंने बिना कंपास के इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया? तो कुछ खोजकर्ता मानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों ने सही दिशा का पता लगाने के लिए ऑटम इक्विनॉक्स का सहारा लिया होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन दिनों रात बराबर के होते हैं, तो सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन जमीन पर पड़ने वाली शेडो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में एकदम सीधी लाइन में होती है, और इस शेडो का सहारा लेके उन्होंने पिरामिड के अलाइनमेंट को सेट किया होगा। कुछ थ्योरी ये भी कहती है कि उन्होंने पिरामिड के अलाइनमेंट को पोलर स्टार्स की मदद से सेट किया होगा। अब इनके सामने अगली चुनौती थी पत्थरों को काटकर कंस्ट्रक्शन साइट पर लाना। पत्थरों को काटने छाटने के लिए वो कॉपर के टूल्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कॉपर इतना नरम होता है जिससे पत्थर काट पाना संभव नहीं, तो वो कॉपर में आर्सेनिक मिला देते जिससे उसकी मजबूती बढ़ जाती। इन कॉपर और आर्सेनिक के मिश्रण से बनी छेनियों को लकड़ियों के हथौड़ों से ठोका जाता था, और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थरों को शेप में लाया जाता था, और ज्यादा हार्ड पत्थरों जैसे कि ग्रेनाइट को डोलेराइट का इस्तेमाल करके तोड़ा जाता था। ये पत्थरों को तोड़ने के लिए एक खास तरह की तरकीब लगाते। ये पत्थरों को तोड़ने के लिए इस तरह से क्रैक में लकड़ियां फंसाते, जिसके बाद उन पर पानी डाला जाता, और वो लकड़ियां जब पानी को सोख लेती तो वो फैलने लगती, जिससे पत्थर टूटकर अलग हो जाता। पत्थरों को तोड़ने के बाद इनके लिए अगली सबसे बड़ी चुनौती थी इन भारी भरकम पत्थरों को पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाना। इसके लिए ये इन पत्थरों को अपनी बड़ी बड़ी कश्तियों में रखकर कंस्ट्रक्शन साइट पर लाते। पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट पर तो आ गए, लेकिन अब इनके लिए अगली चुनौती ये थी कि इन भारी भरकम पत्थरों को पिरामिड के ऊपर कैसे पहुंचाया जाए। तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन पत्थरों को पिरामिड के ऊपर इन तीन तरीकों से पहुंचाया गया होगा, या तो बड़ी सी रैंप बनाकर, या स्पाइरल ट्रैक के द्वारा, या इनको जिगजैग ट्रैक के द्वारा ऊपर पहुंचाया गया होगा। पत्थरों को ऊपर पहुंचाने के लिए चाहे इन्होंने किसी भी ट्रैक का इस्तेमाल क्यों न किया हो, लेकिन इन पत्थरों को ऊपर पहुंचाना इतना आसान नहीं था। एक फिजिसिस्ट जोसेफ वेस्ट ने साल 2014 में एक थ्योरी दी कि इन पत्थरों को ऊपर पहुंचाने के लिए इन्होंने स्लोप के ऊपर लकड़ी के डंडे गाड़कर बड़ी बड़ी रस्सियों को पत्थरों से बांधकर उन रस्सियों को डंडों के ऊपर से निकालकर कुछ इस तरह से खींचा होगा। अगर इन्होंने रैंप वाले ट्रैक का इस्तेमाल करके पत्थरों को ऊपर पहुंचाया होगा, तो इसके लिए जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया होगा, वैसे वैसे इन्हें स्लोप को और पीछे तक बड़ा करना पड़ा होगा, जिससे स्लोप का एंगल मेंटेन रहे और पत्थरों को ऊपर पहुंचाने में ज्यादा कठिनाई ना हो। अब ये सब तो महज थ्योरीज हैं कि कैसे पिरामिड्स को बनाया गया होगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो पिरामिड के बनने की ये सभी थ्योरीज शक के दायरे में आ जाती हैं। थ्योरीज के जरिए हम पिरामिड के कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा कर पाना संभव था? लेकिन जो भी हो, आज हमारे पास पिरामिड के बनने का केवल यही एक एक्सप्लेनेशन है जो सटीक लगता है। लेकिन फिर भी पिरामिड के बनने की ये मिस्ट्री सॉल्व तो नहीं होती। ग्रेट पिरामिड की मिस्ट्री हमारी सोच से भी गहरी है। एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि पिरामिड्स को 4,500 साल पहले नहीं बल्कि 13,500 साल पहले बनाया गया था। ये थ्योरी वास्तव में हैरान कर देती है। इस थ्योरी के अनुसार पिरामिड्स को प्राचीन मिस्रवासियों ने बनाया ही नहीं, यहाँ तक कि जब इन पिरामिड्स को बनाया गया होगा तब मिस्र की सभ्यता का तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। दरअसल ग्राहम हैनकॉक, जो कि फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड्स के ऑथर हैं, इन्होंने पिरामिड्स के ओराइन कॉन्स्टिलेशन वाली थ्योरी दी। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि गीजा के ये तीनों पिरामिड्स ओराइन कॉन्स्टिलेशन में मौजूद तीन तारों की सीध में बने हैं। लेकिन यहाँ पर फैक्ट ये है कि ये तीनों ही तारे पिरामिड्स की सीध में है ही नहीं, और ना ही ये तीनों तारे आज से 4,500 साल पहले इन पिरामिड्स की सीध में थे। लेकिन आज से करीब 13,500 साल पहले ये तारे इन तीनों पिरामिड्स की बिल्कुल सीध में थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर ओराइन कॉन्स्टिलेशन थ्योरी सही है तो पिरामिड्स को 13,500 साल पहले बनाया गया था? क्या प्राचीन मिस्रवासियों को ये पिरामिड्स सौगात में मिले थे? क्या इसी वजह से मिस्र की किसी भी प्राचीन जगह पर पिरामिड के बनने के कोई सबूत नहीं मिलते? वैसे मिस्र में प्राचीन समय की हर एक ड्राइंग मिलती है, लेकिन पिरामिड्स के बनने का वहाँ कोई नामो निशानी नहीं है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। वास्तव में ग्रेट पिरामिड कितने रहस्यों को छुपाए हुए है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब साल 2001 में इसके सीक्रेट चैम्बर को खोजने के लिए जब रोबोटिक कैमरा इसके अंदर गया और सामने मौजूद स्लैब में छेद करके जब कैमरा ने अंदर झांका, तो सामने एक और पत्थर का स्लैब था जिसने उस सुरंग को बंद कर रखा था। लेकिन कैमरा के एंगल को जैसे ही नीचे किया तो वैज्ञानिक देख पा रहे थे कि नीचे लाल रंग के कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं जो इस पासेज को शील करते हुए 4,500 साल पहले लिखे गए थे।
अब दुर्भाग्य की बात यह है कि ये अल्फाबेट्स जिस भाषा में लिखे गए हैं उस भाषा को दुनिया में कोई नहीं जानता। एक्सपर्ट्स ने इन अल्फाबेट्स को डिकोड करने की कोशिश की लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्होंने पिरामिड को स्कैन करते हुए जिस सीक्रेट चैम्बर को देखा वो इस स्लैब के बाद मौजूद है। अब परेशानी ये है कि स्लैब के पीछे मौजूद उस सीक्रेट चैम्बर में कैसे झांका जाए, क्योंकि ग्रेट पिरामिड एक प्राचीन धरोहर है। उस सीक्रेट चैम्बर में झांकने के लिए रास्ते में आने वाली सभी स्लैब्स को तोड़ना पड़ेगा। अब किसी भी देश की सरकार ये नहीं चाहती कि उसके देश में मौजूद प्राचीन धरोहर को कोई क्षति पहुंचाए, क्योंकि प्राचीन धरोहरें बहुमूल्य चीजें होती हैं, तो उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने या उनको तोड़ने फोड़ने की इजाजत सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि लोग रहस्यमय चीजों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर देखा जाए तो मिस्र में करीब 138 पिरामिड्स हैं, लेकिन दुनिया भर से टूरिस्ट केवल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को ही देखने जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो रहस्यमय है। ऐसे ना जाने कितने ही सीक्रेट चैम्बर्स होंगे जो ग्रेट पिरामिड के अंदर छुपे हुए हैं, और शायद इजिप्शियन अथॉरिटीज नहीं चाहती कि वो रहस्य दुनिया के सामने आए। और शायद इसी वजह से जाही हवास, जो मिस्र की प्राचीन धरोहरों और पुरावशेषों का मंत्री रह चुका था, उसने ग्रेट पिरामिड से मिली चीजों को चुरा लिया। अब ये तो भविष्य ही बताएगा कि ग्रेट पिरामिड के अंदर कौन से रहस्य दफन हैं। वैसे पिरामिड की ही तरह धरती पर एक और रहस्यमय जगह है जिसके रहस्यों को दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे सीक्रेट और रहस्यमय जगह एरिया 51 की। एरिया 51 के रहस्य को आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।